अखिलेश यादव ने दी कांग्रेस को राहत, तो चंद्रशेखर ने बढ़ा दी INDIA इंडिया गठबंधन की टेंशन। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी 14 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चर्चित दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यह कम से कम 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली RLD ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी SP के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। इस बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी ASP भी उत्तर प्रदेश में अकेले आम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। 37 साल के चंद्रशेखर आजाद का पश्चिमी UP में दलितों पर खासा प्रभाव है। BSP के इंडिया से दूर रहने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी UP बेल्ट में BJP से मुकाबला करने के लिए SP, RLD, ASP गठबंधन की चर्चा थी। यूपी में 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चंद्रशेखर के हवाले से कहा गया है कि इनकी पार्टी कम से कम 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, फिलहाल हम यूपी में 14 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। हमें अभी तक गठबंधन पर सपा से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए हम उन क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जहां हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं। लोग BJP को झटका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है चंद्रशेखर आजाद, कितनी है राजनीतिक ताकत। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद नेता, वकील और दलित अधिकार कार्यकर्ता। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। साल 2021 में टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया था। साल 2015 में चंद्रशेखर ने सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ भीम आर्मी की स्थापना की। भीम आर्मी दलितों के लिए काम करने वाली संस्था है। चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की थी और यह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। दलित समुदाय में इनका अच्छा प्रभाव माना जाता है।